हाय और सबको नमस्कार। मैं आपका चिरंजीवी। तो कल जवान मूवी देख कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा मूवी, और एकदम भरपूर ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट है। और हैट्स ऑफ टू इटली, मतलब वे हैज़ प्रेजेंटेड शाहरुख खान साहब इन दैट मार्स मसाला रोल। और शाहरुख खान साहब तो लिटरली छा गया है रोल में, और दो रोल रहेंगे उनके, एक पापा और एक सन का। तो दो रोल में छा गया शाहरुख खान साहब। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी जो भी है ना, वो इंटरवल है। तो इंटरवल में उनका स्वैग, उनका एक्शन, उनका क्या बोलेंगे, भरपूर जो भी है ना, एक्टिंग एकदम बढ़िया। और उनका फाइट सीक्वेंस इंटरवल में तो लिटरली टॉप नॉच है। इंटरवल में हमको ट्विस्ट आएगा, वो लिटरली सुपर्ब है। और फर्स्ट हमको जब वो एंटरटेनमेंट एपिसोड जो भी है ना, वो फर्स्ट हाफ में मेट्रो ट्रेन का, वो भी बहुत ही अच्छा है पूरा। वो टकला शाहरुख खान रहेगा तो वो भी एंटरटेनमेंट बहुत ही अच्छा है। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल एपिसोड आएगा और एक, तो वो भी मस्त है। तो फर्स्ट हाफ तो एकदम एक्शन पैक्ड और फास्ट पेस में जाएगा मूवी। और सेकंड हाफ जब हम आएंगे ना, तो एक्चुअल थीम ऑफ द स्टोरी रिवील करेंगे। और थोड़ा मतलब इधर उधर आपको लैग होगा थोड़ा फ्लैशबैक में, लेकिन दीपिका पडुकोण का रोल भी बहुत ही अच्छा है उनका भी। मतलब एकदम उनका मुख्य किरदार उन्होंने निभाया, और वी कैन से दैट शी इज़ द सोल ऑफ द फिल्म। तो वो एकदम मूवी के लिए कनेक्टिंग डॉट में एक मेन पिलर रहेंगे दीपिका पडुकोण का रोल। तो उनका रोल भी बहुत ही अच्छा है। और शाहरुख खान साहब मतलब एज ए जवान सेकेंड हाफ में जो भी फ्लैशबैक में आएगा ना, तो वो भी एकदम मस्त एक्टिंग किया, और लिटरली लाइक सुपर्ब उनका रोल भी। मतलब उनका इम्पैक्ट उतना अच्छा है एज ए विक्रम राठौड़, तो बढ़िया है। और लास्ट में कमिंग लाइक सीइंग टू शाहरुख खान टुगेदर, दो शाहरुख खान का मतलब एक ही फ्रेम में देखकर हमको बहुत ही खुशी होगा, और लिटरली सुपर्ब रहेगा। और क्लाइमैक्स भी अच्छा एंड किया उन्होंने। और जो भी एपिसोड्स उन्होंने, मतलब क्लाइमैक्स में फाइट है ना विजय सेतुपति के साथ, तो वो भी अच्छा एंड किया। और ओवरऑल अच्छा मूवी है। तो सॉन्ग से मैं बात करूँ तो ये रामय वास्तव्य सॉन्ग बहुत अच्छा है, और रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स भी ठीक है मूवी में। और बैकग्राउंड म्यूजिक तो अनिरुद्ध को लिटरली हिट सुपर्ब जॉब, और उन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया कि बैकग्राउंड स्कोर एक हाईलाइट है मूवी में। और मतलब शाहरुख खान साहब के बाद जो हु इज़ द सेकेंड हाईलाइट ऑफ द मूवी हम बोलेंगे तो अनिरुद्ध है। तो इतना अच्छा काम किया अनिरुद्ध ने, और मतलब सेकेंड बेस्ट हाईलाइट है फिल्म के लिए शाहरुख खान साहब के बाद। तो अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर, उनका म्यूज़िक मेनली BGM है तो सुपर्ब है। और कमिंग टू विजय सेतुपति, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया, और ही डिड वेरी गुड जॉब एज काली विलन। एंड मतलब विलन के जो भी मुख्य किरदार उन्होंने निभाया ना, तो भी बहुत ही अच्छा है। और एज ए विलन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और उसके बाद तो सपोर्टिंग एक्टर्स तो नैनीताल जी का ठीक है उनका रोल भी, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। और जो भी 6 लड़कियां हैं ना, मतलब शाहरुख खान साहब के साथ, उन्होंने मतलब लिटरली सुपर्ब काम किया, और वे दे एक्टेड सुपर्ब लिटरली। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया शाहरुख खान साहब को, और उनका रोल भी बहुत ही अच्छा है। और दीपिका जी का मतलब हम जब उनका बात करेंगे ना, तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मूवी में। तो टू शाहरुख खान को एक कनेक्टिंग डॉट में दीपिका पडुकोण रहेंगे, और लिटरली शी इज़ द सोल ऑफ द फिल्म। तो उनका रोल इतना अच्छा है और सुपर है। मतलब जब मैं ट्रेलर देख रहा था, तो मैं मुझे सोच रहा था कि ये और एक टाइम पास हीरोइन रखा है मूवी में, जैसे नैनीताल और दीपिका पडुकोण, तो कुछ लिंक नहीं होकर के मैं सोच रहा था। लेकिन फ्लैशबैक में उनका एपिसोड आएगा तो एकदम मतलब एक इमोशनल रहेगा, और वो लिटरली सुपर्ब रहेगा। तो उनका बहुत ही अच्छा है। और ओवरऑल इटली का डायरेक्शन तो सुपर्ब है, और साउथ का कमर्शियल फार्मूला जो भी है ना, वो नॉर्थ इंडिया में दिखाया, और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर को लगा के उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया। तो शाहरुख खान साहब मतलब क्या बोलेंगे इनके बारे में, तो लिटरली सुपर्ब है। और उनका एक्शन, स्वैग, डायलॉग्स, मतलब क्या बोलूँ तो कम है उनके बारे में। तो दो रोल में उन्होंने चाली, और मुझे विक्रम राठौड़ का रोल और भी अच्छा लगा आज़ाद से भी। तो विक्रम राठौड़ तो मतलब एकदम मतलब एज ए जवान भी उन्होंने चाली, और एक बूढ़ेपन पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो बूढ़ेपन में मतलब उनका रोल जो भी है ना, हुक्का, सिगरेट, और क्या बोलेंगे ये ओल्ड ओल्ड लुक में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो सॉल्ट एंड पेपर लुक में तो ओवरऑल अच्छा लगा जवान मुझे। तो ओनली फ्लिप साइड ऑफ द मूवी ये कि थोड़ा आपको थोड़ा इलॉजिकल सीन्स लगेगा और अननेचुरल सीन्स लगेगा कभी कभार। और सेकंड हाफ में थोड़ा आपको ड्रैगिंग फीलिंग आएगा, वो जो भी मतलब फ्लैशबैक एपिसोड है ना, तो एकदम आपको थोड़ा ड्रैग करने जैसा फीलिंग आएगा आपको, तो उधर आपको थोड़ा स्लो लगेगा।
ये थोड़ा नेगेटिव छोड़ के मुझे ओवरऑल अच्छा लगा मूवी, तो मैं दे रहा हूँ 3.8 out of 5। तो शाहरुख खान सबको और एक ब्लॉकबस्टर मिल गया है पठान के बाद, तो इज़ बैक है, इज़ बैक विथ बैंग विथ जवान। तो हैट्रिक, दो ब्लॉकबस्टर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, तो डंकी से और एक हिट मार दिया तो हैट्रिक हो जाएगा उनका। तो यही है फ्रेंड्स, यही है मेरा सिंपल रिव्यू जवान का। तो शाहरुख खान इज़ बैक वन वर्ड विथ अ बैंग। सो दैट्स इट, मेरा रिव्यू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।